सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पे स्वागत है और आप लोग जितना सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को निश्चित ही मैं कभी निराश नहीं होने दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों जो है हम लोगों की जो क्विज चल रही है, जैसा कि हमने बताया है कि 1, 2 और 3 तारीख को जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वही क्वेश्चन 4 तारीख को आपको पूछे जाएंगे और उसमें आपको दिया जाएगा उपहार। और वो उपहार क्या होगा, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे 100 रुपये का थंबनेल लगा हुआ है, अर्थात 100 रुपये भी आपको दिए जाएंगे जो हमारे लकी व्यूअर रहेंगे और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर 3 क्लास देख लेते हैं तो 4th क्लास आपकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी और आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार जो है इस तरह आपका जो है तैयार भी हो जाएगा और आपको उपहार भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से सब लोग जितनी जगह हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ भी आप हों वहाँ वहाँ एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है और देखिए अगर जो इसे आप देख रहे होंगे कि GS स्पेशल जियोग्राफी कंप्लीट 1000 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 1000 प्रश्नों का टारगेट है हमारा, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न इसमें रहेंगे। तो दोस्तों 1000 प्रश्नों को हमको पढ़ना है और पढ़ने के लिए हम डेली जो है आपको एक क्विज के माध्यम से कराएंगे और इसमें आपको आकर्षक उपहार भी दिया जाएगा। 1, 2, 3 तारीख को जो आप पढ़ेंगे, 4 तारीख को उसका टेस्ट होगा आपका और टेस्ट में जो भी बच्चा हमारा लकी व्यूअर बनेगा और ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देगा उसे आकर्षक उपहार दिया जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? दोस्तों पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है अमरावती, तीसरा है विजयवाड़ा, चौथा है तिरुपति। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। देखिए हुआ क्या कि आपका जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ वो 14 जून 2014 को हुआ था, 14 जून 2014 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो निर्माण हुआ था वो, एक मिनट रुक जाइए, 2 जून 2014 को हुआ था आंध्र प्रदेश का निर्माण। और आंध्र प्रदेश के निर्माण की बात की जाए तो निर्माण के समय ये कहा गया था कि 10 वर्ष तक, कितने वर्षों तक, 10 वर्ष तक इसकी जो राजधानी रहेगी वो हैदराबाद रहेगी और 10 वर्ष के बाद इसकी राजधानी बदल के कर दिया जाएगा क्या, तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ष तक इसकी राजधानी हैदराबाद रहेगी, 10 वर्ष के बाद इसका राजधानी का नाम बदल दिया जाएगा और कर दिया जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, रेलवे ने ये प्रश्न उठाया था। कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। देख रहा हूँ मैं, सही जवाब आ रहा है बी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, कोहिमा, नागालैंड की जो राजधानी होगी, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी असम। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हमको पूछ रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों अगर आपको न पता हो तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। जी हाँ दोस्तों, फूलों की घाटी अगर बात की जाए तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। और वहीं अगर एक और है जिसका नाम है शांत घाटी, क्या नाम है, शांत घाटी, और ये शांत घाटी आपका जो है केरल में है। जी हाँ दोस्तों, शांत घाटी आपका केरल में है और फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ये आपका जम्मू कश्मीर में ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो हम बता दें आपको एक बार कि फूलों की घाटी जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फूलों की घाटी की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे विभिन्न फूल पाए जाते हैं और यहाँ पे एशियाई भालू, जी हाँ दोस्तों, एशियाई भालू, एशियाई काला हिरन, जी हाँ दोस्तों, एशियाई भालू, एशियाई काला हिरन, और वहीं बात की जाए तो यहाँ पे भूरा भालू भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूरा भालू भी यहाँ पे पाया जाता है, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर भूरा भालू भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन,
पर अगला प्रश्न लगा दिया गया है, किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, मतलब कि कौन सा राज्य है, कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन इसमें लिखा है, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों देख रहा हूँ आपका सही जवाब आ रहा है, पंकज, दिनेश, दीपक, मोहित, मुकेश, जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए केवल मात्र 100 लोग देख रहे हैं और आपका टारगेट होना चाहिए कि इसको 500 लोगों तक पहुँचाना है, 500 लोग जरूर जुड़ने चाहिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। कल हमने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि बचपन में MBA किया, जी हाँ दोस्तों बचपन में MBA किया, तो बचपन में MBA किया, बा से बांग्लादेश, ची से चा से चीन, पा से पश्चिम बंगाल, ना से नेपाल, उसके बाद मे साइलेंट है, यम से म्यांमार, बी से ये बांग्लादेश हो गया तो ये भूटान, और ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। तो जी हाँ दोस्तों इतने देश हैं जो हमारे भारत की पड़ोसी सीमा से सटे हुए हैं। अगर इसको विस्तार में देखना हो तो कल वाली सीरीज देखिए, उसमें मैंने विस्तार से पूरा बताया था। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसा कि आप देख रहे होंगे तो इसमें जो है अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा, जैसे अगर हमारा ये मान लीजिए भारत है तो भारत में हरियाणा जो है वो यहाँ दिल्ली के पास में हरियाणा आपका है, तो इसीलिए हरियाणा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। जी हाँ दोस्तों एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा कि कौन सा राज्य किसका पड़ोसी राज्य है, ठीक, तो वो सारी चीज़ आपकी विस्तार में रहेगी, एक दिन मैं क्लास लेकर आऊँगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नदी द्वीप, जी हाँ दोस्तों नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया वह कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों इसमें देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा असम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा असम। जी हाँ दोस्तों माजुली द्वीप जो है वो आपका असम में है। जी हाँ दोस्तों माजुली द्वीप असम में है, और अगर मैं बात कर दूँ तो असम सरकार ने इसको अपना 35वां जिला घोषित किया। जी हाँ दोस्तों माजुली द्वीप को असम सरकार ने अपना 35वां जिला घोषित किया और 8 सितंबर 2016 को इसको घोषित किया गया। कब? 8 सितंबर, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक मिनट रुक जाइएगा, 8 सितंबर 2016 को। आठ सितंबर 2016 को जो है असम सरकार ने इसे अपना क्या किया, 35वां जिला घोषित किया। और मैं बात करूं कि माजुली द्वीप जो है दुनिया का, दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपका माजुली द्वीप है। जी हाँ दोस्तों जैसा कि अगला प्रश्न देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हट्टी गोल्ड माइंस कहां पर है। जी हाँ दोस्तों हट्टी गोल्ड माइंस कहां पर है, और ऑप्शन आपका है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत से लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, दीपक, देवेश, आशीष, अंकित, मोहित, मुकेश, पुष्पेंद्र, जी हाँ आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अगर हल्डी गोल्ड माइंस की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। जी हाँ दोस्तों कर्नाटक राज्य में है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1947 में। जी हाँ दोस्तों 1947 में इसकी स्थापना की गई थी जो मतलब कि कर्नाटक में, और कर्नाटक में पूछा जाए कहां पर है तो ये आपका हैदराबाद है, हैदराबाद गोल्ड माइंस, ठीक, हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में इसको स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगर दोस्तों मज़ा आ रहा हो और आपको लगे कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर जो है इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं सदैव कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कभी कोई तकलीफ ना हो और सारे प्रश्न आपको कराए जाएँ, तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा जरूर होगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बताइए कि इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो अगर किया जा सकता होगा तो मैं जरूर करूंगा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, क्या कह रहा है देखिएगा, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। कथन एक, शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। सही है भाई, शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, दिल्ली चूंकि बीच में है, और शिमला की बात की जाए भाई, अगर हम भारत की बात करें, अगर आपका ये भारत है तो
तो अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली आपका यहाँ पड़ जाएगा, और शिमला की बात की जाए तो शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो चूंकि पहाड़ी एरिया है तो ठंडा तो रहेगा ही, तो पहला तो सही हो गया आपका कि ऑप्शन ए सही है। ओ ऑप्शन ए नहीं, रुक जाइएगा, कथन ए सही है। अभी पहले हम कथन पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा कह रहा है शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको ना पता हो तो दिल्ली आपका यहाँ पर है, और अगर हम दिल्ली की ऊंचाई की बात करें, दिल्ली की ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, तो दिल्ली जो है समुद्र तल से 216 मीटर ऊंचा है। दोस्तों दिल्ली जो है समुद्र तल से 216 मीटर ऊंचा है, वहीं अगर शिमला की बात की जाए तो समुद्र तल से 2276 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों दोनों भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन लेकिन आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं है। इसमें देखिए कारण और कथन दिया गया है, तो ये तो है कि हाँ दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है वो ए की उचित व्याख्या करता है, ये गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोगों ने इसका गलत आंसर दिया, और जिन लोगों ने गलत आंसर दिया वो इसको एक बार जरूर करेक्ट करें और इसकी नोट्स बनाते चलें आप लोग, जिससे आपको फायदा जरूर होगा। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया, क्या कह रहा है देखिएगा, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान जो है वो किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है, किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी हमने बताया जो कि आपका समुद्र तल से ऊंचाई की बात है, तो शिमला आपका ज्यादा ऊंचाई पर था। उसी तरह अगर आप यहां पर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश तो आपका यहां पर पड़ जाएगा, असम आपका इधर किनारे पड़ जाएगा, सिक्किम आपका यहाँ पे पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश आपका ऊपर पड़ेगा। अर्थात समुद्र तल से जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो हिमाचल प्रदेश की है, और क्रिकेट मैदान की बात कर रहा है तो क्रिकेट मैदान का नाम है चायल। जी हाँ दोस्तों, चायल, चायल क्रिकेट मैदान, चायल जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 7500, जी हाँ दोस्तों 7500 फीट की ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, 7500 फीट की ऊंचाई पर है, और पटियाला के शाही परिवार ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? पटियाला के शाही परिवार ने, पटियाला के शाही परिवार ने इसका निर्माण करवाया था। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, और ओ नौवां क्वेश्चन, आप लोग इसका बताइए कि आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, फिर से समझिएगा प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है। पहला राजस्थान, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी मित्र पर गमछा झार। जी हाँ दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। और अगर ट्रिक की बात ना की जाए, वैसे ही देखा जाए तो ये आपका भारत है, ठीक, ये आपका मान लीजिए भारत है, तो कर्क रेखा आपकी यहीं से गुजरती है, ठीक, साढ़े तो देखिए कर्क रेखा आपकी यहाँ से गुजर रही है। अब सबसे पहले तो आपको गुजरात मिल जाएगा, गुजरात के आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के आगे चलेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, आगे चलेंगे तो झारखंड मिल जाएगा, फिर देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपको मिल जाएगा, फिर इधर चलेंगे तो त्रिपुरा मिल जाएगा आपको, त्रिपुरा के बाद फिर और आगे चलेंगे तो मिजोरम मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको दिख रहा है ना, तो जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा 22.5 डिग्री है, क्या 22.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है, और अगर राज्यों की बात की जाए तो देखिए गुजरात, राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़, सीएस से छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, जीएस से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, यही है आपका, क्या बताया हमने, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, सारा हमने बता दिया। मी देखिए, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुर है ना त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, फिर रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड,
ठीक, और रा आपको बताया ही, रा से राजस्थान। तो जी हाँ दोस्तों, सारा हमने बता दिया आपको। तो ये थी ट्रिक मित्र पर गमछा झार, और ये है कर्क रेखा के पर स्थित देश। तो अब इसमें देख रहे हैं ऑप्शन, अगर देखिए तो मणिपुर इसमें ऑप्शन में नहीं है, मणिपुर आपका नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है थार के रेगिस्तान में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखिएगा, थार का रेगिस्तान .. स्थित है। प्यारे दोस्तों, दो चीज है, एक कक्ष का रण है और एक थार का रेगिस्तान है। तो अगर कक्ष के रण की बात की जाए, इसमें जैसा कि ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, तो अगर कक्ष के रण की बात की जाए तो कक्ष का रण जो है आपका गुजरात में है, और वहीं थार का रेगिस्तान अगर बात की जाए तो थार का रेगिस्तान आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि देखिए जब गर्मी पड़ती है, ठीक, ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय, तो गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघलने लगती है, तो पिघलने लगती है तो अर्थात तो जो आपका ये श्रीनगर आपको दिख रहा होगा, श्रीनगर आपको दिख रहा होगा, तो श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है। वहीं अगर जो है जब बर्फ पड़ने लगती है अर्थात शीतकालीन राजधानी की बात की जाए, तो शीतकालीन राजधानी आपकी क्या हो जाती है? जम्मू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे वन क्षेत्र एवं पर्यावरण के बारे में। जो अब हम लोगों का प्रश्न रहेगा वो वन क्षेत्र और पर्यावरण के बारे में रहेगा। दोस्तों मैंने कहा कि मैं टॉपिक वाइज प्रश्नों को कराऊंगा। कल हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय, आज हमने देखा राज्यों का परिचय, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो वन क्षेत्र एवं पर्यावरण है। तो दोस्तों अगर वन क्षेत्र एवं पर्यावरण की बात की जाए, पहला क्वेश्चन लिखा है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पहला पर्णपाती वन, दूसरा कटीले वन, तीसरा ज्वारीय वन, चौथा पर्वतीय वन। जी हाँ दोस्तों, जवाब दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, और अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। 300 लोग देख रहे हैं और इसको 500 जरूर पहुंचाइए। आपका टारगेट होना चाहिए कि इसको 500 लोगों तक पहुंचाना है, 500 लोग जरूर देखें इसको। तो दोस्तों इसका अगर हम सही जवाब की बात करें तो भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो वो आपके हो जाएंगे पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जो है पर्णपाती वन रहते हैं, और ये 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाले इलाकों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों जो पर्णपाती वन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और वहीं दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, पर्णपाती वन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा आपका होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की बात की जाए, देखिए ये जो है हमने बता दिया कि इस इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पे आपका 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया। मोहित, दीपक, मुकेश, आशीष, पंकज, सुशांत, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, धन्यवाद धन्यवाद। जल्दी जल्दी इसको एक बार शेयर कर दीजिए, और आज आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि इसको 500 पहुंचाना है। 300 लोग जुड़ चुके हैं, और अगर एक एक लोग को जोड़ेंगे तो 500 लोग जरूर जुड़ जाएंगे इस परिवार से। और लाइव क्लास आप लोग देख रहे हैं, एक प्रकार से जान लीजिए लाइव क्लास है। मैं आप लोगों को कमेंट देखता रहता हूं कि आप कौन सा कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों एक मिनट रुक जाइएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? पहला केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय वन रिपोर्ट 2015, ठीक, ISFR 2015, अगर हम
भारतीय वन रिपोर्ट 2015 की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और यहाँ पे कुल 77,462 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे 67,248 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। वहीं तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है 55,586 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 55,586 वर्ग किलोमीटर ये आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डॉट जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। दोस्तों अगर सुंदरबन के डेल्टा की बात की जाए तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक, तो दोस्तों अगर सुंदरबन का डेल्टा बात करें कि ये कहां पर है तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये, एक मिनट रुक जाइएगा, 140,000 क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, इसका अगर बात किया जाए तो 140,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसको कहा जाता है और यहाँ पे मैग्रोवो वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मैग्रोवो वन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि मैग्रोवो वन पाए जाते हैं सुंदरबन में। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या कौन से राज्य में सर्वाधिक मैग्रोवो वन के तहत हैं? देखिए सर्वाधिक क्षेत्र मैग्रोवो के तहत है, मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने बताया, अभी हमने बताया कि वो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में पाए जाते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है कहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे कह रहा है विश्व में मैग्रोवो वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए अगर मैग्रोवो वन की बात की जाए तो उसमें आप देख रहे होंगे पहला नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कक्षकरण, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा सुंदरबन। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कक्षकरण जो है ये आपका गुजरात में है, फिर वहीं सुंदरबन की बात की जाए तो सुंदरबन जो है आपका ये कहाँ पर है? सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है और चूंकि पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मैग्रोवो वन पाए जाते हैं तो इसीलिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है और कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेंटिलेटर के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग में अंतर्राष्ट्रीय संधि है? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देखिए कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिर अस्थायी प्रयोग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो जो रामसर सम्मेलन है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित जो आपका विश्व में मैग्रोवो वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों यही कह रहा है इसमें कि कौन सा आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग है तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है तो वो आपका हो जाएगा रामसर सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 का सबसे बड़ा फैसला क्या लिया गया था? जी हाँ दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें थोड़ा सा कट गया है। हाँ अब सही है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 का सबसे बड़ा फैसला क्या लिया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि इसका सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया था वो लिया गया था आपका, पहला कह रहा है कि अंतर विकसित देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, दूसरा विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से CFC के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, तीसरा विकासशील देश 2000 तक
पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। और आखिरी था कि विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको चौथा नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 1987 में हुआ था, इसका सबसे बड़ा फैसला क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका बड़ा फैसला जो था वो ऑप्शन नंबर ए था कि विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला जो ये था वो यही था 1987 में। अगर आपको बता दें तो 1987 में ओजोन संरक्षण के लिए यह फैसला लिया गया था, ओजोन संरक्षण के लिए यह फैसला लिया गया था कि वर्ष 2000 तक पूरी तरीके से जो है, वर्ष 2000 तक जो विकसित देश हैं वो पूरी तरीके से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और 1990 एवं 92 में इसको फिर से संशोधित किया गया था, 1990 और 92 में इसको फिर से संशोधित किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आयोजित किया गया था, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डॉट में आयोजित किया गया था। तो अगर हम बात करें क्योटो सम्मेलन की, तो वो आपका दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 1997 में किया गया था। और इसका किया क्यों गया था, इसको किया गया था वैश्विक तापन हेतु, वैश्विक तापन हेतु। वैश्विक तापन हेतु जो है, जो गैसें होती हैं हरित गृह गैस, उन्हीं को कम करने के लिए जो है क्योटो जलवायु परिवर्तन आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कह रहा है डॉट डॉट में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी के सतह तक पहुंचने में रोकती है। जी हाँ दोस्तों, ओजोन की उपस्थिति डॉट डॉट लिखा है, ओजोन की उपस्थिति। अब ओजोन आपका कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन आपका स्ट्रेटोफियर में पाया जाता है। तो अर्थात स्ट्रेटोफियर में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए रोकती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हां दोस्तों, दसवें का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है, पहला वनीकरण, दूसरा वनारोपण, तीसरा पुनः वनीकरण, वनों की कटाई। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है समाप्त। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न। और जो है, अगर आपको न पता हो तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आर के वाई सर की मैथ की बेसिक क्लास, अगर बेसिक मैथ आपको कमजोर लगती है, बेसिक मैथ समझने में प्रॉब्लम, मतलब मैथ समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बेसिक मैथ आप देख लीजिए, 10 से 12 क्लास है आर के वाई सर की पढ़ी हुई है, आप इसको देख लीजिए और मैथ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। अगर मैथ से आपको डर लगता है तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर हम बात करें ट्रिक की, तो देखिए ट्रिक में हमने जो है बताया था स्पीड टाइम डिस्टेंस, पूरी एक क्लास में आपकी समाप्त कर दिया था, तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी क्लासेस जो है हमारे यहाँ लगातार चलती रहती हैं, तो ये सारी क्लासेस जो है हमारी लगातार चलती रहती हैं। तो अगर जो है आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और कल की क्विज जो है और ही महत्वपूर्ण रहेगी, और 4 तारीख को तो फिर सारा क्वेश्चन आपका रिपीटेड रहेगा, और उसको जो है अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं जितना 3 दिन में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप निश्चित ही ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा तो आपको खुशी मिलेगी, आपकी फ़ोटो यूट्यूब पर आएगी, हमारे साथ आपको जो है यूट्यूब पर दिखाया जाएगा और आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, और काफ़ी बच्चे आपको देखेंगे कि हाँ इन्होंने जो है टॉप किया, या इन्होंने जो है ये रहे विनर, तो आप भी हो सकते हैं विनर। तो बने रहिए हमारे साथ द स्पीड स्टडी पर, अपना प्रेम और स्नेह बनाते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।